बस यार मैं तो वैसे भी इंडिया के स्पोर्ट में, तो पाकिस्तान के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, किसी के भी साथ, मैं वैसे इंडिया के सपोर्ट करती हूँ। वर्ल्ड कप को लेके क्या कहोगे, कौन सी टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके जाएगी? आई थिंक इंडिया। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? वो वैसे इतना जीनियस, इतना ब्रिलियंट और इतना मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, लड़कियों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है विराट कोहली का नाम सुन के। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन ये है कि वो सुपर कूल तो है ऑब्वियसली, और वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा प्रूव करते हैं कि आई एम द बेस्ट। और मुझे प्लेयर्स वैसे इंडियन पसंद है, और विराट कोहली की वजह से मैं इंडिया को सपोर्ट करना चाहती हूं। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, उसने ऐसे ही आगे खेलना है, वैसे भी हर बंदे का उस पे क्रश। आपका भी? थोड़ा सा सेट हो गए। बहुत अच्छा खेलता है, बहुत चिकना बंदा है। और उसकी बीवी बहुत प्यारी है। यार बीवी प्यारी है, बंदा नहीं प्यारा? नहीं, बंदे की क्रिकेट भी बहुत अच्छी है, लिटरली सेंचुरीज करता है यार, मतलब उसका कुछ भी मुकाबला है, कंपटीशन है। और विराट कोहली के लिए बस ये कहूंगी, पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन प्लेयर्स की फैन क्यों? Because they are playing very well, obviously बात है, अगर अच्छी चीज बंदा मतलब शो करा रहा है, आप अच्छा खेल रहे हो, फैन फॉलोइंग उसी बंदे की होगी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि उसके प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे पाकिस्तान तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी और कहूंगी कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या लगता है आपको फिनाले की ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? लेकिन फिर भी लोग हार जाते हैं, जैसे इंडिया ने हमें भी हराया है हमारे होम ग्राउंड में आके। पाकिस्तान की लड़कियां विराट कोहली की दीवानी हो चुकी है, इंडियन बॉलिंग की दीवानी हो चुकी है, जो इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है भाई, लगातार 8वीं जीत इंडिया की, उसके बाद जो पाकिस्तान की सुंदर सुंदर लड़कियां भाई वो खुलकर सामने आ गई है कि हाँ हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद भाई मौलाना की तो फट गई है, क्या कह रही है पाकिस्तान की लड़कियां, चलिए जानते हैं। आज का इंटरेस्टिंग सवाल, आपने मैच देखा, इंडिया मैच जीत चुका है साउथ अफ्रीका से, और आप देखो कितना अच्छा स्कोर जा रहा है, रन रेट जा रहा है, और इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड आज जो है ना ब्रेक करने जा रहा है, विराट कोहली सेंचुरी कर दी है, टाई हो गया दोनों में। ऐसे मैंने मैच तो नहीं देख सकी अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मैं इधर इवेंट पे आई हुई हूँ, लेकिन ये है कि न्यूज फीड आपको पता है स्क्रॉल करते करते सब दिख जाता है, और मैंने ये न्यूज पढ़ी है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो आज विराट कोहली ने ब्रेक कर दिया है, टाई हो गया, अभी एक सेंचुरी और चाहिए और ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही है, वो वैसे इतना जीनियस, इतना ब्रिलियंट और इतना मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, लड़कियों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है विराट कोहली का नाम सुन के। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन ये है कि वो सुपर कूल तो है ऑब्वियसली, और वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा प्रूव करते हैं कि आई एम द बेस्ट, और विराट कोहली के लिए बस ये कहूंगी। इंडियन क्रिकेट टीम को लेके क्या कहोगी, 8वां कंसेक्यूटिव मैच वर्ल्ड कप का वो लोग जीत चुके हैं, उनका होम ग्राउंड है, उन्होंने उधर प्रैक्टिस की हुई है, सारा कुछ किया हुआ है इसलिए, लेकिन फिर भी लोग हार जाते हैं, जैसे इंडिया ने हमें भी हराया हुआ है हमारे होम ग्राउंड में आके, तो आप वो अपने होम ग्राउंड में जीत रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बात है कि 8 कंसेक्यूटिव मैचेस वो जीत रहे हैं, और वो भी वर्ल्ड कप ओडीआई के। आप देखो कि चलो मान लिया उनको बेनिफिट है, उनका होम ग्राउंड है, लेकिन दूसरी साइड पे आप ये भी तो देखो पावरफुल टीम्स के साथ, जैसे आज वो साउथ अफ्रीका के साथ विन किया है, आई गेस ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, किसी को आगे नहीं जाने, किसी को नहीं छोड़ा, मुझे लगता है वर्ल्ड कप उन्होंने ले जाना है। क्या एक्सपेक्टेशंस है वर्ल्ड कप में, कौन सी टीम किसके साथ टक्कर होनी चाहिए और होगी? मेरा दिल तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान हमें रुसवा करता है, तो उसके बाद मैं इंडिया के साथ हूँ, और मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेके क्या राय रखोगे? फहर जमान, बस लव हो, कल से तो मेरे लव हो, वाकई में जो छक्के उसने धड़ाधड़ मारे है, क्या बैंड बजाई, नौ छक्के चौके, ऐसे बरसात हो रही थी, बारिश उतनी स्पीड से नहीं आ रही थी जितनी स्पीड से कल फहर जमान चल रहा है। परफॉर्मेंस पहले कहाँ थे, इतने मैचेस हम हार गए, फखर जमान नहीं था ना मैचेस में, उसको तो दो मैचेस से डाला है, वो था ही नहीं पहले, इस वजह से पाकिस्तान यूं डगमगा रहा है, फला जीतेगा तो हम अंदर चले जाएंगे, फला हारेगा तो हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे, क्या डूबते को तिनके का सहारा। नो डाउट डूबते को तिनके का सहारा। अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जाता है सेमीफाइनल में और आगे फिनाले में, तो क्या रिव्यूज होंगे? सॉरी, कौन जाता है सेमीफाइनल? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमेशा सबसे बेस्ट मैच, और बल्कि बाकी टीम्स का भी फेवरेट मैच होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो प्रेशर, वो फीलिंग्स, वो जज्बा डिफरेंट होता है जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमें देखने को मिलता है। मैं तो यही चाहती हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आ जाए। इंडियन फेवरेट प्लेयर कौन है? इंडियन फेवरेट प्लेयर विराट कोहली। और पाकिस्तानी? पाकिस्तानी आजकल फखर जमान। जो खेलेगा वही फेवरेट होगा, बट आजकल बाबर आजम बड़ा वो बेचारा परेशान नजर आता है, तो उसको भी मॉरल सपोर्ट करें प्लीज। चलेंगे, थैंक यू सो मच अजरको। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मुकद्दस चौधरी। मुकद्दस, इतनी प्यारी लड़की हमारे साथ मौजूद है। मुकद्दस, इंडिया जो है एक और वर्ल्ड कप जीत चुका है, 8 मैचेस वर्ल्ड कप के अभी तक वो जीत चुका है, और विराट कोहली 49 सेंचुरीज कर चुका है, क्या कहोगे? बहुत अच्छा खेलता है, बहुत चिकना बंदा है। और उसकी बीवी बहुत प्यारी है। यार बीवी प्यारी है, बंदा नहीं प्यारा? नहीं, बंदे की क्रिकेट भी बहुत अच्छी है, लिटरली सेंचुरीज करता है यार, मतलब उसका कुछ भी मुकाबला है, कंपटीशन है। वर्ल्ड कप को लेके क्या कहोगे, कौन सी टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके जाएगी? आई थिंक इंडिया। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान तो जान है अपनी।
पाकिस्तान तो प्यार है ना, पाकिस्तान के बारे में तो नहीं कुछ कहते। खेले ना खेले घंटा फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली हमें प्यार है पाकिस्तान से, वो नहीं खत्म हो सकता। पाकिस्तान से प्यार खत्म नहीं हो सकता। अभी तक इंडियन टीम की अगर परफॉर्मेंस देखो तो 8 मैचेस में से एक भी मैच नहीं हारे वो लोग। क्या कहोगे उनकी टीम को लेके? उनकी टीम बहुत अच्छा प्ले कर रही है, ठीक है, मतलब अगर आप देखा जाए गेम के हिसाब से तो वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, और अगर वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते और करते रहेंगे। विराट कोहली के हवाले से क्या कहोगी? लड़कियां बहुत बड़ी फैन है विराट की। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा खेलता है यार, मतलब उसकी मतलब बहुत अच्छा है बंदा है। अनुष्का देख रही हुई तो बस थप्पड़ नहीं मारना। चलो जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बड़ी मुश्किल से सेमीफाइनल तक आ गई है, यही बड़ी बात है। अभी भी कुछ चांसेस है कि रह सकती है। दूसरी जानिब इंडिया 8वां कंसेक्यूटिव मैच वर्ल्ड कप का इंडियन टीम जीत चुकी है। अभी साउथ वन थिंग, इंडिया नहीं जाना है फाइनल में, पाकिस्तान नहीं जाएगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? दो प्लेयर्स में से रिले करती है हमारी टीम, एक नसीम शाह और बाबर आजम, और फकरा तुम थोड़ा आगे चला गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी हमारे जो क्रिकेट टीम को, ये कहना चाहूंगी आप लोग सिर्फ कुछ हमारे जो मतलब जो मेंबर्स हैं उन पर लेना करें, आप पूरी टीम पर फोकस करें। विराट कोहली को लेकर क्या राय रखते हो? सेंचुरी पे सेंचुरी, सेंचुरी पे सेंचुरी, और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करके ओडीआई में 49 सेंचुरीज पूरी हो गई है उसकी। He's a very good player. उसने ऐसे ही आगे खेलना है। वैसे भी हर बंदे का उस पे क्रश है। आपका भी? थोड़ा सचिन तेंदुलकर को छोड़ के विराट कोहली की फैन हो गई है लड़कियां। पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन प्लेयर्स की फैन क्यों? Because they are playing very well. Obviously बात है, अगर अच्छी चीज बंदा मतलब शो करा रहा है, आप अच्छी अच्छा खेल रहे हो, फैन फॉलोइंग उसी बंदे की होगी। अब बुरे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्या कहोगी? यार कुछ इज्जत रख लो, कुछ नहीं। चलो जी, इधर एक और हमारे पास लड़की आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी लग रही हो, क्या हाल है? अच्छा मुझे मुझे एक बात बताओ, इंडिया मैच जीत गया साउथ अफ्रीका से, क्या रिव्यू है? विराट कोहली को लेके क्या कहोगी? 49 सेंचुरीज पूरी हो गई आज। बस यार मैं तो वैसे भी इंडिया के सपोर्ट में, पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका के साथ हो किसी के भी साथ, मैं वैसे इंडिया के सपोर्ट करती हूँ। क्यों, क्या वजह? क्योंकि उसके प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे पाकिस्तान तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैं फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी और कहूंगी कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या लगता है आपको फिनाले की ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? इंडिया। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस में क्या राय रखते हो? बस यार यही कहूंगी कि बेस्ट ऑफ लक, ऐसे खेलते रहो और ऐसे अपना जुनून और जज्बा दिखाते रहो। भाई ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन विराट कोहली के ऊपर, टीम इंडिया की बॉलिंग के ऊपर, टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस चल रही है भाई वर्ल्ड कप के अंदर, लगातार 8वीं जीत, जो मतलब एक मानते ना भाई जो टॉप की 2 टीमें थी उसमें भाई जो मुकाबला हुआ वो कह नहीं सकता कोई, भाई ये टॉप की 2 टीमें में मुकाबला हो रहा है। वो लग रहा था भाई इंडिया के सामने कोई श्रीलंका से भी मतलब कोई जिम्बाब्वे कोई नेपाल जैसी टीम जो इंडिया के सामने खेल रही हो, साउथ अफ्रीका नहीं थी। और भाई जितने भी मतलब साउथ अफ्रीकन जो बॉलर थे यानसन, जो अपने आप को भाई बहुत बेहतरीन बॉलर मान रहे थे अब तक वर्ल्ड कप का, क्योंकि साउथ अफ्रीका की अच्छी खासी विकेट्स उन्होंने ली है, लेकिन भाई इस बार जो उनको पेला गया है, उनको पेला गया भाई उनका, उन्होंने 2 बॉल एक्स्ट्रा करनी होती ना भाई, 2 बॉल उनको मिली नहीं, 3 बॉलें मिली नहीं उनको, हैं तो लुंगी इंगिडी की जगह अगर वो मिल जाती भाई 3 बॉलें और उनको मिल जाती पूरी, तो भाई उनका भी एक सेंचुरी हो जाने वाली थी इंडिया की बदौलत। और भाई पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि इंडिया की तो पिच अलग है, इंडिया को जो अलग पिच दी जाती है, इंडिया को तो अलग बॉलिंग दी जाती है, अलग इंडिया की जो बॉल है ना वो अलग बनाई हुई है इंडिया के बॉलर्स के लिए, इसलिए वो इतना अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई वो कैचेज कौन पकड़ रहा है? वो कैचेज तो तुम्हारी भी उठती है यार, तुमसे नहीं पकड़ी जाती, तुमसे रन आउट नहीं होते। पाकिस्तान यार एक बारिश की वजह से न्यूजीलैंड वाला मैच जीत गया, लेकिन भाई इन्होंने तो भाई पूरा सब पे मतलब पूरा पाकिस्तान एकदम उभर के ऊपर आया कि हमारी टीम वापसी कर गई, हमारी टीम वापसी कर गई, हमारी टीम फाइनल में जाएगी, इंडिया के साथ खेलेगी। अरे झाइलो क्या समझाओ तुम लोगों को मैं। ऊपर से भाई पाकिस्तान का जो मीडिया ना मतलब वो ये बात नहीं दिखा रहा इंडिया इतनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है उनसे कुछ सीखो, नहीं वो दिखा रहे हैं कि इंडिया चीटिंग कर रहा है। इंडिया के जो है जो बीसीसीआई के जो बने हुए हैं चेयरमैन जय शाह, वो उनको अलग बोल दे रहे हैं, वो उनको अलग तरीके की बोल दे रहे हैं जिससे सभी विकेट्स पड़ जा रही है। अरे भाई छक्के भी लग रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं, विकेट भी आ रही है, सारे काम हो रहे हैं। तुम बॉलिंग नहीं दिख रही तुम्हें, समी नहीं दिख रहा तुम्हें, समी नहीं दिख रहा तुम्हें, 4 मैच में 16 विकेट्स, 16 विकेट्स है भाई समी के पास, 4 मैच में 16 विकेट्स। आपके साइंस ऑफ रिदीन है 8 मैच खेल के 16-17 विकेट लिए, 4 मैच में ले गया है, और तुम करते हो भाई इस्लाम इस्लाम और अल्लाह की रहमत। भाई अल्लाह ये हो हमारा मोहम्मद समी, मोहम्मद सिराज, वहाँ आपकी टीम में कोई हिंदू नहीं दिखेगा, लेकिन हमारी टीम इंडिया में सभी धर्मों के लोग हैं। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई पाकिस्तानी लड़के के बारे में, पाकिस्तानी लोगों के बारे में, उनकी राय के बारे में कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम।